हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम सीखेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स में जो एक पार्ट बचा हुआ है हमारा, बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? बिट वाइज ऑपरेटर्स बिट्स पे वर्क करते हैं। एज वी नो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज विच इज इन फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, एंड बाइनरी लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। में बिट्स पे कैसे वर्क करते हैं? बिट जीरो एंड वन, दो बिट्स हैं हमारे पास। कंप्यूटर अंडरस्टैंड इधर जीरो और वन, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। ये बिट वाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा बिट वाइज ऑपरेटर्स की सीरीज में जो आते हैं हमारे पास, बिट वाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, देन और, एक्सोर या एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट राइट हैंड की तरफ सिंबल आएगा ऐसे डबल ग्रेटर देन, देन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट हैंड की तरफ फेस कर दीजिए इनका, लेफ्ट हैंड की तरफ डबल, देन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे बिटवाइज एंड बिटवाइज और। इनके सिंबल्स और मैं यहां पे बना रहा हूं, एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल है, और ऑपरेटर में सिंबल आएगा सिंगल, और एंड ऑपरेशन में सिंगल एंड आएगा। तो ये ऑपरेटर्स हैं हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स, तो हम इनको कवर करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को करने से पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए किसी भी डेसिमल नंबर को। तो देखिए कैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इधर। सबसे पहले अब हम करेंगे इसमें बिटवाइज एंड करते हैं, तो इधर ही कर लेते हैं, स्पेस तो है हमारे पास। ये बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड ट्रूथ टेबल सेम रहेगा, एंड ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल होता है वही सेम ट्रूथ टेबल यहां लगेगा। और एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं या सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी हमारा आउटपुट क्या आता है, ट्रू। उनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा आउटपुट क्या जाता है, फॉल्स। तो देखिए एक प्रोग्राम ले रहे हैं हम यहां पे, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10 और हम यहां पे वाई की वैल्यू हमारे पास है 8, सी में हम आउटपुट चाहिए, सी इज इक्वल टू एक्स, तो हमें आउटपुट चाहिए कि एक्स सी की वैल्यू क्या होगी यहां पे। इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम कैसे देखिए इसका निकालेंगे, अगर ये एंड ऑपरेटर लगा होता तो हम काफी आसानी से इसे निकाल सकते थे। पहले मैं एक एंड से समझा देता हूं, यहां से इसी क्वेश्चन को काफी अच्छे से सीखना है ताकि बाकी जो है बिटवाइज और एक्स और राइट शिफ्ट लेफ्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहले इसे ध्यान से समझिए, तो हमने यहां पे लगाया एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई अगर हम अभी इसका आउटपुट देखिए तो एक्स में कितना है 10, और 10 क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये जरूरी नहीं है कि रिलेशनल ऑपरेटर दिया गया हो तभी ट्रू माना जाएगा। तो यहां पे एक्स कितना है 10, तो ये ट्रू कंसिडर किया जाएगा। वाई क्या है 8, तो ये भी ट्रू, और जब दोनों ट्रू होती तो आउटपुट क्या आता है, ट्रू। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, बट वो तब आएगी जब यहां पर
एंड ऑपरेटर दिया हो, बट अभी कौन सा है, बिट वाइज एंड। तो बिट वाइज एंड के केस में क्या आंसर आ जाएगा, तो देखिए बिट वाइज एंड लगा है तो आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसे बिट्स में कन्वर्ट करेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे। किसका, सबसे पहले हम निकालेंगे 10, 8 कौन सा नंबर, 8 का निकाल लेते हैं पहले, चलिए जो भी आ गया 10। तो बाय 2 से डिवाइड करना है, 2 5 10, जो रिमाइंडर आएगा वो साइड में लिखेंगे 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर विल बी 1, तो रिमाइंडर हमें यहाँ लिखना है। नेक्स्ट 2 2 1, 2 1 2, रिमाइंडर विल बी 0। तो इसको यहां से रीड करना है, रीड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में इसे रीड करेंगे, तो जब इसे रिवर्स ऑर्डर में रीड करोगे तो 10 का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, तो 10 का जो बाइनरी नंबर आया है, 2 से ही डिवाइड करना है, किसको 3 4 5 से किसी से नहीं करना, 2 से ही करना, क्योंकि बाइनरी नंबर्स कितने होते हैं, 2 0 एंड, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे अभी यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आया 1 1 0 1 0, तो ये आया हमारा 1 0 1 0। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे y का भी निकाल लेते हैं हम। y कितना है हमारे पास, 8 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है। तो इसका भी आउटपुट क्या आ गया है हमारा, ये भी किस में रीड करना है, रीड इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है, रीड इन रिवर्स ऑर्डर। आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0, तो ये इसका आ गया 8 का 1 0 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये जो आउटपुट जो सिस्टम देगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 8 x एंड y, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी है 8, तो 8 का हमारा कितना आया यहाँ पे 1 0 0। अब हम देखते हैं 10 का कितना है, 1 0 1 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 1 0 1 0, और बीच में देखिए कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो एंड ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है, तो एंड का ट्रूथ टेबल फॉलो करेंगे यहाँ पे। एंड में क्या होता है, व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू आउटपुट विल बी ट्रू, तब तो एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी आंसर हमारा क्या आता है, ट्रू। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो क्या आएगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा ट्रूथ टेबल। फर्स्ट अगर एंड में क्या होता है, पहली कंडीशन फॉल्स है, तो एक ही भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एंड क्या कहता है, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन फॉल्स है, यहाँ दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, और दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा। तो ये जो स्टोर होगा ये किस में स्टोर होगा, ये हमारा सी में स्टोर हो रहा है, ये किस में स्टोर हो रहा है, सी। तो सिस्टम जो आंसर है 1000 शो नहीं करेगा, इसे वापस डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो 1000 को जब हम डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने देखा था कि 1000 क्या आता है, 8, हमें पता लग गया है कि 1000 क्या आता है, 8, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 8। तो इसे अगर हम वापस कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8। जब सिस्टम पे इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 8। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिटवाइज और, थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही लेक्चर में ये कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बिटवाइज और का सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है। तो हम सिर्फ इसी प्रोग्राम में हल्का सा चेंज करके इसका आउटपुट देखते हैं, जहाँ पे एंड लगा था हमने क्या लगा दिया है, बिटवाइज और। तो सेम होगा, पहले हम 10 का क्या निकालेंगे,
बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 10 का आ जाएगा 10 10, फिर 8 का बाइनरी नंबर निकालेंगे, नीचे से रीड करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, और 2 से ही डिवाइड करना होता है। फिर यहाँ हम सिर्फ क्या करेंगे, और सिंबल चेंज करेंगे, और ऑपरेटर क्या कहता है कि एक भी कंडीशन अगर उसे ट्रू मिल जाती है तो ट्रू आंसर देता है। तो हम देखते हैं दोनों में से दोनों कंडीशन फॉल्स, जहाँ देख ली कि जहाँ कहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, फॉल्स आएगा पहला, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, तो कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट इन दोनों के केस में फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो आउटपुट क्या आ रहा है अब सी का, और के केस में क्या आउटपुट आ रहा है, 1010, और 1010 की वैल्यू क्या होती है, 101 क्या होता है, 10। तो क्वेश्चन का आउटपुट क्या आएगा हमारा सिस्टम पे जब रन करोगे, तो इसका आउटपुट आएगा 10। तो ये हमारा बिटवाइज और भी हो गया है। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या करता है, एक्सक्लूसिव और का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और को एक्स और ऑपरेटर भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको एक्स और भी कहते हैं, या इसका नाम एक्सक्लूसिव और भी है, और इसका सिंबल है कैरेट का सिंबल है ये। तो देखिए यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसी प्रोग्राम में, आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ हमने कैरेट का सिंबल लगा दिया है, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1000, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर है तो बिट्स में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने कैरेट लगा दिया, एक्सक्लूसिव और लगा दिया, तो 8 का ये है, बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है ये। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, और ऑपरेटर है तो और के सभी रूल्स फॉलो करता है। होता क्या है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फॉल्स आंसर देता है, और जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो भी फॉल्स आंसर देता है। तो इसका मैं ट्रुथ टेबल यहां पे बना रहा हूं, तो देखिए एक्सक्लूसिव और की टेबल क्या है, एक्सक्लूसिव और ये होता है, एक्स है वाई है, दो वेरिएबल्स है। इसमें क्या होगा, जब दो 2 times 0 2 times 1 1 times 0 1 time 1 1 time 0 1 time, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। देखिए जब दोनों केस सेम होते हैं तो ये फॉल्स आंसर देता है, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा आंसर, और यहाँ पर भी देखोगे तो दोनों केस क्या हैं, फॉल्स, तो फॉल्स ही आंसर देता है, ट्रू नहीं देता। तो इसको तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो सारे के सारे केस और ऑपरेटर में भी सेम है। एक्सक्लूसिव और में क्या है, सिर्फ जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो इस पे थोड़ा फोकस करना है ज़्यादा, ये वाला पॉइंट, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू आ रही हैं, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा, फॉल्स। अब जो नंबर आ रहा है वो 0010 आ रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, 0010 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0010, तो हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना काउंटिंग, 0 1 2 3। अब उस टाइम हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, अब अगेन क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे, 0 को एज इट इज लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से, और ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पावर्स। तो इसकी पावर 2 प्लस 0 इंटू ये 0 एज इट इज, फिर 2, ये पावर आ गई 2, फिर प्लस 1, उसके बाद क्या आ गया, 1 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई हमारी, 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0। करते किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये ध्यान रखना है, मैथ्स का रूल है, किसी भी पावर 0, 2 की पावर 3 8 पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की पावर 2 4 पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 2 की पावर 1 कितने, 2, और यहाँ पे जब हम 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो हमारा जो आउटपुट आया वो कितना आ गया, 2।
तो यहाँ पर सी का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, टू, जब सिस्टम पर इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीन ऑपरेटर्स और बच गए हैं हमारे पास, और वो हैं हमारे पास राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड लास्ट वन इज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो थोड़ी ही यहाँ पे, और ये इसका काम क्या होता है, राइट हैंड शिफ्ट की तरफ बिट को शिफ्ट करना, राइट हैंड साइड की तरफ बिट को शिफ्ट करता है। टू शिफ्ट्स द बिट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की तरफ बिट को शिफ्ट करेगा, और कितना शिफ्ट करेगा वो हम लिखेंगे, नंबर टू तो टू टाइम्स करेगा, थ्री तो थ्री टाइम्स, तो इस तरह से करता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम यहाँ पे लिया 8B, और मैंने यहाँ पे किया X, ये डबल लगाया राइट हैंड, वन लिखेंगे यहाँ पे तो ये वन टाइम शिफ्ट करेगा, अगर मैं वन की जगह पे टू लिखता हूँ तो ये टू टाइम शिफ्ट करेगा, थ्री लिखूँ तो थ्री टाइम शिफ्ट करेगा, फोर लिखूँ तो फोर टाइम शिफ्ट करेगा। तो देखिए टू लिख देते हैं हम, टू से करते हैं क्या आंसर आएगा, परसेंट डी। हमें आउटपुट किसका देखना है, बी का। तो बी का आउटपुट देखिए क्या होगा, तो बी का जो आउटपुट होगा यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एट, तो एट का हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर निकाल देंगे। बाइनरी नंबर मैंने निकालना सम अभी बताया, तो एट का हमारा बाइनरी नंबर क्या आया था, तो एट का बाइनरी नंबर कितना आएगा, 1000, यही आया था। टू से डिवाइड करके देखोगे बाइनरी नंबर 1000 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड इसकी पोजिशंस को शिफ्ट करना है। देखिए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, राइट हैंड शिफ्ट में क्या होता है, डिवाइड बाई टू होता है। तो इसको ठीक कर लेना एक बार, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी, जीरो से शिफ्ट होगी इसकी पोजीशन नेक्स्ट उस पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे जैसे कि ये सबसे पहले हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, इसकी पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो जो नया नंबर हमारे पास आया है वो क्या है, एक्स 10, ये तो वन टाइम शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितने टाइम शिफ्ट करना है, टू टाइम। तो फिर से करते हैं शिफ्ट, जो वन है ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ये जीरो है शिफ्ट होकर यहाँ, और ये वाली जो जीरो है वो, तो ये बाहर निकल जाएगी। तो जो नया नंबर हमारे पास, मतलब बाइनरी नंबर बचा है वो क्या है, एक्स 10, ये 10 नहीं है, ये बाइनरी नंबर है। इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल नंबर को। तो 10 को डेसिमल कितना होता है, तो 10 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 2। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, ये 2 देखो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 4। ये फर्स्ट टाइम इसने डिवाइड किया, फिर सेकेंड टाइम जब ये डिवाइड करेगा जो आउटपुट आया तो कितना आएगा, 2। तो वही ये शॉर्टकट है उसको निकालने का, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ है कि वो वैल्यू बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता है डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट करते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देखिए क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हमारा जो सिंबल होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, और इसमें होगा मल्टीप्लाई बाई 2। राइट शिफ्ट में क्या था, डिवाइड बाई, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट द बिट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बिट्स को शिफ्ट करता है, यहां पर भी हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो उतने ही बार शिफ्ट करेगा जितनी बार, देखिए जैसे कि यहाँ पे 8 है तो 8 का क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, बी की क्या वैल्यू आएगी जब सिस्टम पे रन करेंगे, तो बी का क्या आउटपुट आएगा इस केस में, तो 8 का कितना होता है, 1000। अब 1000 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, तो इसकी पोजीशन यहाँ हो जाएगी, इसकी पोजीशन यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ, और ये जो ब्लैंक बच गया वहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। तो कितने टाइम शिफ्ट करना है, 2 टाइम। तो ये तो एक ही एक फर्स्ट टाइम हमने शिफ्ट किया, फिर से शिफ्ट करते हैं, इसकी पोजीशन यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ,
इसकी यहाँ, और ये जो बच गया यहाँ पर जीरो फील, तो जो नया नंबर आया है बाइनरी नंबर वो हमारा कौन सा है, ये। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा। तो मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई बाई टू, या तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए बाइनरी डेसिमल में डायरेक्ट, नहीं तो सीधा क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई, एट है। देखिए यह यहाँ पे क्या था, एट, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आया कितना हो गया, 16, एट है तो 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आएगा तो फिर से टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 32। तो ये आउटपुट आएगा 32 बी का सिस्टम पे जब हम इसे रन करेंगे। तो अभी हमारे पास जो बचा है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।